गाइस आज की इस वीडियो में हम ASUS के Vivo 16X लैपटॉप के बारे में जानेंगे जिसका मॉडल नंबर है K3605ZF MB541WS और ASUS ने इसे हाल ही में इंडिया में लॉन्च किया है। और ये लैपटॉप इंटेल के 12th जनरेशन के कोर i5 प्रोसेसर RTX 2050 ग्राफिक कार्ड और लेटेस्ट OS वर्जन के साथ आता है, जिससे लैपटॉप उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल डील हो सकता है जो लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन और शानदार परफॉर्मेंस के साथ लैपटॉप बाय करना चाहते हैं, जिसमें वह प्रोग्रामिंग, 1080 पिक्सल्स पर वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन या ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क कर सके विदाउट एनी लैग। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ इस प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में भी जानेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लैपटॉप आपके डे टू डे के टास्क के लिए वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर मोमेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप के CPU के बारे में। हमें इस लैपटॉप में इंटेल का 12th जनरेशन का कोर i5-12450H प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है और एक H सीरीज का प्रोसेसर है जो अप्रैल 2022 में लॉन्च तो हुआ था। और आपको इसमें 1.5 GHz की बेस क्लॉक स्पीड से लेकर 4.4 GHz तक की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। और ये प्रोसेसर 8 कोर 12 थ्रेड्स और 12 MB की L3 कैशे मेमोरी का रहने वाला है। और गाइस बता दूं, इंटेल के 12 जनरेशन के प्रोसेसर में कोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक परफॉर्मेंस कोर्स और दूसरा एफिशिएंट कोर्स। उनके कोर थ्रेड्स और क्लॉक फ्रीक्वेंसीज में काफी डिफरेंस रहने वाला है। परफॉर्मेंस कोर्स में आपको 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं और इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 2.0 GHz से लेकर 4.4 GHz तक ही रहने वाली है, जबकि एफिशिएंट कोर्स में आपको 4 कोर्स और 4 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे और इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1.5 GHz से लेकर 3.3 GHz तक ही रहेगी, जो लैपटॉप की सिंगल एंड मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस को काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर देंगे और ये प्रोसेसर आपको काफी वेल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा देगा। और इस प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बताऊं तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, जिससे आप इस लैपटॉप में 1080 पिक्सल्स पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और इसको प्रोग्रामिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं और आप इसमें 3D ग्राफिक डिजाइनिंग और कलर करेक्शन से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं और इसी के साथ आप इस लैपटॉप को म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ग्राफिक कार्ड के बारे में बताऊं तो गाइस आपको इसमें NVIDIA का RTX 2050 ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा और एक ग्राफिक कार्ड 4GB का है, जिससे आप इसमें लैग फ्री 1080 पिक्सल्स पर GTA 5, Call of Duty और Valorant के जैसी गेम्स बड़े प्यार से खेल सकते हैं। और इसी के साथ आप इसमें AutoCAD, Blender और Illustrator के जैसे सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसमें प्रीलोडेड विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज दी गई है विद लाइफ टाइम फ्री लाइसेंस और इसी के साथ इसमें लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 वर्जन भी इंक्लूडेड है, जिससे लैपटॉप आपके ऑफिस या बिजनेस वर्क के लिए काफी बेनिफिशियल डील रहेगा। और स्टोरेज ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 512 GB की NVMe M.2 Gen 3 SSD स्टोरेज देखने को मिलती है, जिससे इस लैपटॉप की रीड एंड राइट की स्पीड काफी फास्ट रहेगी और आपको इसमें फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सेस देखने को मिल जाएगी। और रैम में आपको डायरेक्ट 16 GB की DDR4 रैम का सपोर्ट दिया गया है और आप इसमें रैम को 24 GB तक अपग्रेड भी कर सकते हैं, जो कि गाइस काफी अच्छी बात है। और चलिए अब जानते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। आपको इसमें 16 इंचेस का एंटी ग्लेयर कोटेड फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इसके डिस्प्ले में 3-sided नैनो एच दिए गए हैं। कंपनी ने इस लैपटॉप में काफी स्लिम बेजल्स प्रोवाइड किए हैं और ये डिस्प्ले 300 nits तक की पिक ब्राइटनेस और 100% sRGB कलर एक्यूरेसी सपोर्टेड है, वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जिससे आपको इसमें मूवीज और वेब सीरीज को देखने में काफी मजा आएगा। एंड प्लस गाइस आप इस डिस्प्ले को कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडियंट से रिलेटिव वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, ASUS के इस लैपटॉप का डिस्प्ले काफी शानदार रहने वाला है। और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊं तो ASUS के इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रांग है और इसकी टॉप की लिड मेटल की है और एक ASUS का काफी प्रीमियम क्वालिटी वाला लैपटॉप है। और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और बता दूं इसमें ले फ्लैट हिंज डिजाइन दिया गया है, जिससे आप इस लैपटॉप को 180 डिग्री पर रोटेट करके स्क्रीन शेयर कर सकेंगे। और इस लैपटॉप का वेट सिर्फ 1.8 kg है और ASUS का यह मॉडल सिर्फ ब्लैक कलर में अवेलेबल है। और इस लैपटॉप की वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में बताऊं तो आपको ASUS के इस लैपटॉप में बिल्ट इन Wi-Fi 6E वर्जन का सपोर्ट मिलता है और वो भी ब्लूटूथ 5.3 वर्जन के साथ, जिससे आपको इस लैपटॉप में काफी जबरदस्त कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी और आप इसमें अपने सभी तरीके की वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट कर सकेंगे। और वेबकैम की बात करें तो इसमें 720 पिक्सल्स वाला HD वेबकैम दिया गया है, वो भी बिल्ट इन माइक्रोफोन्स के साथ, जो आपकी जूम पर वीडियो कॉलिंग्स एंड मीटिंग्स के लिए काफी यूजफुल रहेगा। और प्लस गाइस इसके वेबकैम में PVC शटर का ऑप्शन भी है, जो कि गाइस काफी अच्छी बात है। और स्पीकर्स में यहाँ पर सोनिक मास्टर्स के डुअल स्पीकर्स का सेटअप रहने वाला है, जिससे आपको इस लैपटॉप में काफी बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी। और चलिए
चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। इसमें फुल साइज का कीबोर्ड दिया गया है, वो भी न्यूमेरिकल कीपैड के साथ। कीबोर्ड के किस के बीच के अलाइनमेंट काफी बढ़िया है और आपको इसमें 1.4 mm का की ट्रेवल देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको इस लैपटॉप पे टाइपिंग करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसमें काफी कंफर्टेबली टाइपिंग कर सकेंगे। और बैकलिट कीबोर्ड के फीचर के साथ आप इसे लो लाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रैकपैड की बात करूं तो इसमें एक लार्ज साइज का ट्रैकपैड देखने को मिलता है। एंड प्लस गाइस, इसके ट्रैकपैड में फिंगरप्रिंट रीडर का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप इसमें बिना पासवर्ड एंटर करे लैपटॉप को जस्ट वन टच में लॉगिन कर सकेंगे। और बैटरी के बारे में बताऊं तो आसुस के इस लैपटॉप में 3 सेल्स वाली 50 वाट आवर्स की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाती है, जिससे आपको 3 to 4 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और इस लैपटॉप के पोर्ट्स की बात करें तो इस लैपटॉप के लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 USB Type-A पोर्ट और 1 microSD कार्ड का स्लॉट दिया गया है, और राइट हैंड साइड में आपको 1 charging port, 1 HDMI पोर्ट, 1 USB Type-A पोर्ट, 1 USB Type-C पोर्ट और 1 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। आसुस का लैपटॉप ऑफिस या बिजनेस वर्क हो, एडिटिंग या प्रोग्रामिंग हो, या आपके एवरीडे के टास्क के लिए काफी शानदार मॉडल है। और इस लैपटॉप में 75,000 तक की प्राइस रेंज के अंडर में हमें काफी बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपको इसमें 16 इंचेस का फुल HD+ पैनल देखने को मिलता है, और इसमें इंटेल का 12th जनरेशन का कोर i5 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और इसमें 16 GB रैम के साथ 512 GB SSD स्टोरेज दी गई है, और आप इसमें 24 GB तक रैम को अपग्रेड भी कर सकते हैं, और इसमें प्रीलोडेड विंडोज 11 होम प्लस एमएस ऑफिस 2021 वर्जन इंक्लूडेड है। और इसी के साथ आपको इसमें फिंगरप्रिंट रीडर और बैकलाइट कीबोर्ड के जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरह का कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। पर इस लैपटॉप पर पूरे 1 ईयर की वारंटी दी गई है, आप इसमें 7 to 8 आवर्स तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं और आप इस लैपटॉप को लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। वाकई में आसुस का लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। और चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप की कीमत के बारे में। इस लैपटॉप की कीमत है 72,990 रुपीस और आप इस लैपटॉप को Amazon से परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। और अभी इस लैपटॉप पर कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, जिससे आपको 5 to 10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है, और आप इस लैपटॉप को EMI पर भी परचेज कर सकते हैं।